नबी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, रुकेगी नहीं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत जीएसटी। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। बारिश आ रही है, बारिश ने यात्रा को नहीं रोका, गर्मी तूफान ठंड से यात्रा को नहीं रोकने वाली। And today, coming here to the southernmost tip of our country and looking out here into the beautiful sea, it gives me great joy to be beginning this Bharat Jodo Yatra from this beautiful place. We have the highest rate of unemployment we have had in 70 years. कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो, बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका, गर्मी तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। There are a number of reasons why people should vote for the Congress and not for other parties. First reason, Congress party is the only party in the country that represents every single Indian person. It does not discriminate between caste, community, religion, state. We are everybody's party. बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत जीएसटी। बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में आप ऐसे बंद हो जाता है 2 मिनट। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दी और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। कांग्रेस जो है ये एक संगठन नहीं है, यह एक राजनीतिक दल नहीं है, यह एक सोचने का और जीने का तरीका है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो
सोचने और जीने के तरीके हैं। चौबीस घंटा हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती, और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते। देश में माहौल तैयार हो रहा है जो खास तौर से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस राइज है, उससे बीजेपी को जबरदस्त चोट लगी। दैट इज अबंडेंटली क्लियर। आपने कहा कि हिमाचल से हम निकल रहे हैं, सही बात है। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है, तो हम निकले। हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। पहले हम यूं जा रहे थे, ये प्रतिभा जी ने नहीं बोला, मगर पहले हमारा रूट यूं था, अब हमारा रूट यूं हो गया। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजिशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है।